कॉर्नर की तरफ से हैप्पी दिवाली। हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू वाव कॉर्नर। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ लास्ट मिनट दिवाली हैक्स और टिप्स। बहुत सारे लोगों ने सब कुछ बता दिया लेकिन मेरी वीडियो नहीं आई, तो मैंने सोचा कि लास्ट मिनट में आप दिवाली में क्या कर सकते हैं वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूं, जो मैं करती हूँ पर्सनली। तो शुरू करते हैं अपने टिप या फिर हैक नंबर वन से, कि मतलब मैं टिप बोलूंगी इसको कि आपको पता है इस बार की दिवाली नॉर्मल नहीं है, बट हम सब लोग उसको नॉर्मल बना रहे हैं क्योंकि पूरी दुनिया में कोरोना फैला हुआ है। कोरोना अभी गया नहीं है, है अभी। तो अपनी भावनाओं को थोड़ा सा कंट्रोल रखिए, हैंडशेक मत करिए, गले मत मिलिए, अपने इंडियन कल्चर को फॉलो करिए और हाथ जोड़ के दिवाली विश करिए अपने बड़ों को, छोटों को, सभी को। तो ये है मेरा पर्सनल एडवाइस आप सभी को, तो प्लीज फॉलो करिएगा। अब आते हैं अपने टिप नंबर टू पर। तो जैसा कि सभी लोगों ने घर की सफाई कर ही ली होगी तो घर तो चमक गया, बट आपकी स्किन और आपके हाथ पैर बहुत ज्यादा डल हो गए, तो उनको ग्लोइंग और हेल्दी कैसे बनाएंगे, क्योंकि भाई फेस्टिवल है तो खुद को भी तो चमकाना बनता है। अगर आप लोगों ने कर लिया तो नो प्रॉब्लम, और अगर नहीं किया है तो प्लीज मैं जो आपको दो DIY बता रही हूँ इनको फॉलो करिएगा। तो फर्स्ट DIY है जो है स्क्रब, उसके लिए आपको ओट्स लेने हैं, अगर ओट्स है तो, नहीं है तो आप सूजी भी ले सकते हैं थोड़ी पतली वाली, उसमें आपको थोड़ा सा एक चम्मच दूध डालना है और एक चम्मच शहद डालना है, थोड़ी देर के लिए रखना है। आप देखोगे कि आपके जो ओट्स है थोड़े से फूल जाएंगे, उनको अच्छे से मिक्स करना है और अपने हाथों पर, फेस पर, पूरी बॉडी पर आप उसको रब कर सकते हो और आप देखिएगा आपको इंस्टेंट ग्लो मिलेगा, क्योंकि ओट्स ना हमारी स्किन की अपर लेयर में जो डेड स्किन, गंदगी, डर्ट जो जमा हो जाती है ना, उसको रिमूव करने में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है। और इसमें हमने मिक्स किया है दूध और हनी, तो विंटर आ गए हैं, स्किन बहुत ज्यादा ड्राई हो जाती है, तो इन दोनों चीजों से आपकी स्किन बिल्कुल भी ड्राई नहीं होगी, आपकी स्किन को अच्छा खासा मॉइस्चराइजेशन मिल जाएगा। तो प्लीज इस स्क्रब को जरूर ट्राई करिएगा और नहाओ तभी आप अपने वॉशरूम में ले जाओ और फटाफट से इसी से नहा लो और आप इंस्टेंट ग्लो पालोगे। अब बात करते हैं फेस के लिए। अब जैसा कि आपने मेरे मोस्ट ऑफ द वीडियोस में देखा होगा कि मैं एक शीट मास्क यूज करती हूँ, तो मुझसे सभी लोग पूछते हैं कि ये शीट मास्क आप लेते कहाँ से हो, तो मार्केट में आराम से मिल जाता है, ऑनलाइन भी मिल जाता है, बट अभी जैसे फेस्टिवल है मैं मंगाना भूल गई हूँ और जो मेरे पास स्टॉक था वो मैंने खत्म कर दिया है, तो मैं इस दिवाली में अपना खुद का DIY शीट मास्क यूज करूंगी। तो अगर आप लोगों के पास भी नहीं है तो आप लोग भी मेरा शीट मास्क बना सकते हो, बहुत इजी होता है घर पे बनाना और बिल्कुल जो मार्केट वाले शीट मास्क होते हैं ना बिल्कुल वैसा ही आपको ग्लो देता है, तो इसको बनाना बहुत आसान है। इसको बनाने के लिए आपको चाहिए एक चम्मच कोकोनट ऑयल या फिर ऑलिव ऑयल, दोनों में से कोई भी एक। उसके बाद हम इसमें मिक्स करेंगे एक चम्मच ग्लिसरीन, उसके बाद मिक्स करेंगे दो चम्मच एलोवेरा जेल और फिर उसमें मिक्स करेंगे दो चम्मच रोज वाटर और एक डालेंगे विटामिन ई का कैप्सूल। इन सारी चीजों को अच्छे से मिक्स करेंगे और देखिएगा बहुत अच्छा स्मूथ क्रीमी जैसा आपका पेस्ट बनके तैयार हो जाएगा। और याद है मैंने एक फेशियल में आपको टिश्यू काटना बताया था, तो वैसे ही आप आईज पे होल्ड कर लीजिए और एक नोज पे होल्ड कर लीजिए बस। और अगर आपको बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल फील होता है तो लिप्स अराउंड भी एक कट लगा दीजिए और उस टिश्यू को आपको अपनी क्रीम में मिक्स करना है, मतलब डालना है ऐसे कि सारे टिश्यू पर क्रीम अच्छे से लग जाए और फिर इसको अपने फेस पर लगा लेना है और लगा के 15 टू 20 मिनट्स के लिए एज इट इज छोड़ देना है। और फिर जब 15 टू 20 मिनट्स हो जाए उसके बाद हटा दीजिए, रिमूव कर दीजिए, फिर देखिएगा आपकी स्किन इतनी ज्यादा सॉफ्ट, सफल, ग्लोइंग और हेल्दी बन जाएगी और विंटर्स के लिए तो ये बेस्ट है। तो ये है मेरा DIY शीट मास्क, आप लोग जरूर ट्राई करिएगा और ट्राई करते हो तो मुझे जरूर बताइएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपने टिप या फिर हैक नंबर आई थिंक 4 और 5। इसके लिए मैं आपको एक मतलब सजेशन देना चाहूंगी कि चाइनीज जितनी भी लाइट होती है उनको अवॉइड करिए इस बार दिवाली पे, और जो हमारे जो हम मिट्टी के दिए यूज करते हैं उनको लीजिए, क्योंकि कोरोना है, हर किसी की इनकम नहीं हो पा रही है, तो जो हमारे जो इतना मेहनत करके मिट्टी के दिए कुम्हार बनाते हैं और बेचते हैं प्लीज उनसे लीजिएगा। और एक और चीज की बार्गेनिंग मत करिएगा, वैसे भी वो बहुत ज्यादा सस्ता देते हैं तो उन्हीं से लीजिएगा, देखिएगा आपको अंदर से ही कितनी ज्यादा खुशी होगी। तो चाइनीज लाइट को अवॉइड करिए और मिट्टी के दिए घर में जलाइए। तो अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टिप की तरफ। तो सभी के घर में बच्चे होते ही हैं और नहीं होते, बाहर रहते हैं तो त्योहार पे सब लोग इकट्ठे हो जाते हैं और दिवाली है, फुलझड़ी पटाखे ना चले तो ये तो पॉसिबल नहीं है,
तो बच्चों के लिए एक टिप है मेरे पास कि वो लोग ना फुलझड़ी ही चलाते हैं और जो फुलझड़ी में से स्पार्कल निकलते हैं ना उनसे जलने का डर रहता है। तो आप एक हैक फॉलो कर सकते हैं कि जो ग्लास आते हैं ना पेपर वाले ग्लास, उनको हाथों में पकड़िए और उसमें होल करिए, फुलझड़ी उसमें से बाहर निकालिए और बच्चों को चलाने दीजिए। देखिएगा इससे हाथ भी नहीं जलेंगे और बच्चा बहुत अच्छे से एंजॉय करेगा। अब बढ़ते हैं बहुत ही अच्छे और इस वीडियो के सबसे अच्छे हैक की तरफ, वो है फ्लोटिंग कैंडल्स बनाना। तो मैंने जैसे कि अभी दिए भी नहीं लिए हैं और कैंडल्स भी नहीं ली है, मुझे फ्लोटिंग कैंडल्स बहुत ज्यादा पर्सनली पसंद है, इसीलिए मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो फ्लोटिंग कैंडल, आप सोच रहे होंगे कि इतना फ्लोटिंग कैंडल हम लोग लाएंगे कहाँ से, तो इनको घर में बनाना बहुत ज्यादा इजी है। सिंपल, आपको या तो कांच का एक ग्लास लेना है या फिर बोल, जो भी कुछ है वो दोनों में से एक चीज ले लीजिए, उसमें पानी डालिए। और अगर आप कलरफुल बनाना चाहते हो तो आपके पास वाटर कलर, पेस्टल कलर, जो भी कलर है उसमें डाल दीजिए, नहीं तो पानी को ऐसे ही रहने दीजिए। उसमें ऊपर से सरसों का तेल, मस्टर्ड ऑयल डाल दीजिए। पानी और ऑयल कभी भी मिक्स नहीं होता, आप देखोगे पानी नीचे आ जाएगा और ऑयल ऊपर आ जाएगा। तो ऑयल डालिए, उसके बाद ऊपर से थोड़ा सा ग्लिटर डाल दीजिए, थर्मोकोल की बॉल डाल दीजिए, या फिर आपके पास कोई भी पुरानी ज्वेलरी पड़ी हुई है, मोती, बीड्स, कुछ भी आपके पास जो कुछ भी है ना उसमें डाल सकते हो, उसमें डालिए। और फिर कॉटन की बाती बनाइए और एक पॉलीथिन या प्लास्टिक बैग पे होल्ड करके उसको लगा दीजिए और आपकी फ्लोटिंग कैंडल तैयार है। और जलाइए और फिर देखिए कितना अच्छा लगेगा। और अगर आपके पास अरोमा ऑयल है तो आप उसमें वो भी डाल सकते हो, फिर देखिएगा आपका घर खुशबू से महक जाएगा। तो हमारी फ्लोटिंग कैंडल तैयार हो गई है। अब बढ़ते हैं अपने लास्ट हैक की तरफ। जैसे कि पता है दिवाली में सभी लोग नए नए कपड़े पहनते हैं, पर ये वाली दिवाली बाकी सारी दिवाली जैसी नहीं है। तो बहुत सारे लोगों ने नए कपड़े लिए होंगे, बहुत सारे लोगों ने नहीं लिए। तो जिन्होंने नहीं लिए हैं उन लोगों के लिए मेरे पास एक हैक है कि आप मिक्स एंड मैच करके कोई भी पुराने कपड़े को नया आउटफिट बना सकते हैं। जैसे कि मेरी माने तो जैसे कि प्लाजो हर किसी के पास होते हैं, रेड, ब्लैक, गोल्डन, व्हाइट, कोई भी प्लाजो, आप एक प्लाजो लीजिए उसके साथ मिक्स एंड मैच करके, या फिर सेम कलर का टॉप पहन लीजिए, अगर व्हाइट है तो व्हाइट, ब्लैक है तो ब्लैक, नहीं तो आपको जो भी कलर पसंद है उस कलर का टॉप पहन लीजिए। और एक ले लीजिए दुपट्टा, अगर बनारसी दुपट्टा है तो वो ले लीजिए, फुलकारी दुपट्टा है तो वो ले लीजिए और उसको डाल लीजिए, आपका इंडो वेस्टर्न लुक तैयार है। प्लाजो, टॉप और एक दुपट्टा तो तैयार हो गया ना। और उसके साथ अगर आप अच्छे से एक्सेसरीज पहनेंगे, बैंगल्स, इयररिंग्स, अच्छे से हेयर स्टाइल बनाएंगे, एक बिंदी लगा लेंगे छोटी सी, तो आपका इंडियन लुक तैयार हो जाएगा पूजा के लिए। तो आप इस हैक को जरूर ट्राई करिएगा, मिक्स एंड मैच करके आउटफिट बनाइएगा अपना खुद का, आपको पुराने कपड़ों से ही नई वाली फीलिंग आ जाएगी। और ये सारे लास्ट मिनट हैक आप लोगों को कैसे लगे हैं मुझे जरूर बताइएगा। और दिवाली अच्छे से बनाइएगा, घर की मिठाइयां खाइएगा, खूब सारा एंजॉय करिएगा। और ये था मेरा आज का वीडियो, पसंद आया है तो खूब सारा लाइक करिएगा, खूब सारा शेयर करिएगा फ्रेंड, फैमिली, कलीग्स के साथ, और सबको दिवाली विश कर दीजिएगा। और सब्सक्राइब जरूर करिएगा वाओ कॉर्नर को, प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, अगर कर दिया है तो वेल एंड गुड, नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए। मैं मिलती हूँ आपसे एक और बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैप्पी दिवाली वंस अगेन ऑल ऑफ यू।